सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि शायद पुलिस का खौफ ही खत्म हो गया है। सौर बाजार थाना क्षेत्र के जीरो माइल चौक के पास देर रात अधिकारियों ने एक युवक को ताबड़तोड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने युवक के ऊपर आधे दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना घटी क्या है, पूरा मामला घटना कारण? पैसा वाला मामला था, वो पैसा लिए हुए थे पहले, ये 2 महीना पहले, ठीक है। वो तो बोला ठीक है, पैसा जो है ना, आइए आप जीरो माइल में, आप पैसा ले जाइए। जीरो माइल में एक लड़का आया पल्सर से, 220 पल्सर है, एक लड़का आया, उससे आगे पीछे दोनों आदमी किया, उसके बाद वहाँ चाय पिया, और फिर दूसरा लड़का को जिसको पैसा देना था उसको फ़ोन किया, वो आया फोर व्हीलर से, फोर व्हीलर से आया वो, उसके बाद बातचीत करते समय में बस वहाँ से गोली बारूद शुरू हो गया। 6 गोली उसको शरीर में मारा, और उसके बाद जो 6 गोली शरीर में मारने के बाद जब फिर समर कर जब उठा, जब भागने लगा था, उसके बाद 2 गोली उसको सर में मारा, तो उसका ब्रेंड में ब्रेंड फट गया। अच्छी वजह तो पैसे के लेन देन के कारण ये हत्या? हाँ, पैसे का। कौन हत्या किया है? ये मनीष कुमार है नादो का। परिजनों ने बताया है कि मनीष कुमार नाम के युवक के पास पैसा था, जिसे लेने के लिए फोन कर घर से बुलाया था। इसी दौरान जीरो माइल चौक पर बातचीत के दौरान चाय की दुकान के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं सदर SDPO संतोष कुमार ने बताया कि पैसे के लेन देन में गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या है पूरा मामला, क्या कारण है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कल शाम में तरुण यादव नाम के व्यक्ति की हत्या गोली मार के कर दी गई है। पैसे के लेन देन की बात आ रही है, बता दें कि मृतक की पहचान तरुण यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन रोने बिलखने लगे और लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने शव को लेकर सौर बाजार थाना पहुंच गए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर SDPO सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।